आज हम आलू बैंगन का चोखा बनाएंगे बिना मसाले वाला, जो कि बहुत इजी तरीके से बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये हमने चोखा बनाने के लिए एक बड़े साइज का बैंगन ले रखा है। हम इसको गैस पे आज भूनेंगे, इसलिए हमने इसमें लहसुन नहीं डाला है। अदरवाइज अगर आप अवन या कोयले पे इसको भूनते हैं तो आप लहसुन को छील के उसकी 5-6 कलियाँ अंदर डाल सकते हैं, उससे टेस्ट इसका और बढ़ जाएगा। ये हमने 4-5 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको कट कर लिया है। 2 आलू हैं मीडियम साइज़ के जिसको बॉयल करके हमने फोड़ लिया है। ये 1 कप छोटा सरसों का तेल है। सरसों के तेल में चोखे का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये 1/2 चम्मच जीरा है, 2 हरी मिर्च जिसको कट कर ली है, 1/2 चम्मच बड़े 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है। ये लहसुन है 1 मीडियम साइज़ का जिसको हमने पूरा छील के इसको कूट लिया है। हरी धनिया इसको हमने वॉश करके कट कर लिया है, ये 1 कटोरी से थोड़ा कम। ये हींग 2 चुटकी। तो सबसे पहले हम बैंगन को भून लेते हैं। बैंगन को सबसे पहले भून लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी देर इसको घुमा घुमा के भूनेंगे, 1 मिनट तक अभी ऐसे छोड़ देते हैं। 1 मिनट हो गया है, हम इसको फिर से रोल कर देते हैं। आप इसी तरह से 1-1 मिनट करके चारों तरफ घुमा घुमा के इसको भूनिए। जब इस साइड भुन जाएगा उसके बाद हम इधर भूनेंगे। ये हमारा एक तरफ बैंगन भुन गया है, अब हम इसको गैस कम करते हैं थोड़ा। अब गैस तेज कर देते हैं और थोड़ा केयरफुली होके इसको फिर वैसे ही राउंड राउंड करके इधर भी भून लेंगे। बैंगन अच्छे से भुन गया है, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। ये बैंगन भुन गया है, हम इसको बीच से कट कर लेते हैं। इसको चेक कर लेंगे ये अंदर अच्छा है या नहीं। बहुत गर्म है, थोड़ा ध्यान से। ये हमारा बैंगन बिल्कुल अच्छा है, अच्छे से भुन भी गया है। हम थोड़ा ये ठंडा हो जाए तो इसके छिलके इस तरह से ऐसे सारे छिलके निकाल लेंगे, फिर इसको बनाएंगे। ये बैंगन थोड़ा ठंडा हो गया है, हमने इसके छिलके उतार लिए सारे। हम इसके डंठल को कट करके निकाल देंगे। इसको चाकू से कट कर देते हैं। कढ़ाई गैस पे हमने रख दी है, गैस ऑन कर देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, हम इसमें ऑयल डालेंगे। जीरा डाल देंगे। हरी मिर्च, ये लहसुन भी पूरा डाल देंगे हम। गैस अभी फुल ही रखेंगे। इन सबको अच्छे से सौते कर लेंगे। हल्का गुलाबी होने तक। ये लहसुन मिर्च अच्छे से भुन गया है, हम इसमें 2 चुटकी हींग डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छे से चला देंगे। नमक भी डाल देंगे। अच्छे से इनको भून लेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से भुन गया है, गल गया है ये। हम इसमें आलू डाल देते हैं। ये बैंगन भी डाल देंगे पूरा। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक ये सूख जाए थोड़ा। गैस फुल रखेंगे।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गैस तेज करके इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। 5-6 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भुना है गैस फुल करके। अब हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। हमारा गर्मा गर्म चोखा रेडी है, बिना मसालों वाला बहुत ही टेस्टी चोखा बना है। ये आप बाटी से, रोटी से, पराठे से या दाल चावल किसी से भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको बनाइए ज़रूर, बनाइए, खाइए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए।